सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और सुबह का टाइम मैं ऑलरेडी तैयार होके खड़ा हो चुका हूँ, और किसलिए तैयार हो रखा था, क्योंकि यहाँ स्कूल विजिट्स पे जाना था, लेकिन ऑफकोर्स मौसम ने सहारा नहीं दिया, साथ नहीं दिया, ऐसी वजह से नहीं जा पा रहे। तो फिलहाल कुछ वैसे ही कर लेते हैं, रफ वर्क जो खुद का करना होता है ना प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, तो वो सब कर लेते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन का थोड़ा बहुत, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए, ऑलमोस्ट एक महीना होने जा रहे हैं जब ऑनलाइन पोर्टल पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं। तो बस वही चीज़ की तैयारी कर रहा था मैं, थोड़ा बहुत सा देख लेता हूँ आपको, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। यार फिलहाल हो चुकी है गड़बड़, और गड़बड़ से मैं आपको बताऊं कि हो रही है बारिश। अब बारिश में तो जा नहीं सकते, भीगते भिगाते, तो कपड़े मैंने चेंज नहीं किए, फिलहाल मैं हूँ ऐसे ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज का दिन पूरा सोते हुए निकल जाए दोस्त। तो मैं काम ही कर रहा था, काम करके जस्ट उठाऊँ, क्योंकि कमर दर्द होने लगी यार बैठे बैठे चेयर पे। फिलहाल जाता हूँ थोड़ी देर बाहर घूम करके आता हूँ, और बाहर जाने से मेरा मतलब है कि या तो मैं ऊपर जाऊँगा चाची लोग के पास, या फिर यहीं पे जाऊँगा मम्मी के पास बैठने, थोड़ी देर बैठ कर आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बारिश हो रही है यार, पिच पिच वाला मौसम बहुत बेकार लगता है मुझे, तो यार झम के बरस जाए और फिर बंद हो जाए। आलू के पराठे दोस्तों, यार कितने जब बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन आपका हाथ अब सही हो गया है सब चीज़ों में। कैसे? मस्त रोटी बनाती हो, पतली पतली वाली है ना, ये देखने में मस्त लग रहे हैं। अरे मेरी टोपी ठीक लग रही है? सही लग रही है, मस्त लग रही है। उसको पहन के मैं ऐसी लग रही, शीशे में देखा ना, जैसे मेरी वो जो भी कर रहा हूं सर्वाइवल का, सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई मेरी। नहीं तो भाई साहब की तरह बाल में मतलब तो टोपी बड़े पग में पड़े, वो पहनना भूल गई मैं। नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके काम तो उसको बता, टोपी लगा दो भाई साहब, देखो भाई साहब जैसे केजरीवाल वो मेरे शीशे देखो मन बेइज्जती बनी, जैसे ये मैं बना ले। तो वीडियो भी देखकर आपने पहना है बहुत सही, ऐसा लग रहा था जैसे मैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी मुझे, लेकिन बुनाई करते हुए वही पहनना चाहिए, इसको गर्दन ना छूटे, ये देखो ऐसी हरकतें कर देती है कभी कभार यार। ये आईपैड में कुछ अपडेट का मतलब प्रॉब्लम आ रही है, अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या आउट करा रही है, जैसे एप्लीकेशन में हम पढ़ाने वाले थे ना, वो इसमें हैंग हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो टेक्निकल टीम से मेरी बात हुई थी कल भी और आज भी, फिलहाल उन्हीं से बात चल रही थी, तो टेक्निकल इशू इसी वजह से आ रहा था कि अपडेट इसमें नहीं हुआ था सॉफ्टवेयर, और बाकी सब हम चीज़ें ढूंढ रहे थे। फिलहाल अभी पहली स्टेप तो यही है कि इसे अपडेट कर दीजिए, उसके बाद देखी जाएगी फिर क्या होता है क्या नहीं। बहुत परेशानी हो रही है यार इसी से, देखते हैं कुछ ना कुछ टेक्निकल सपोर्ट मिल ही गया है मेरे को, फिलहाल इसको अपडेट कर देते हैं फिर आप समझते हैं। स्कूटी बजा दी तुम लोगों ने, दादी चिल्लाने लगी, वेरी गुड आलू, यस। अरे यार चलो थोड़ी सी दूर चलो चलो, ओहो कैसे कैसे निकालो खतरों के बीच, चलो चलो। तो मैं आ रखा था यार मार्केट थोड़ा सब्जी वब्जी लेने के लिए, अब बस अब निकल चलते घर, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसमें गलत हो रहा है लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ कुछ रजिस्टर वगैरह ले लेते, लेनी को बोले लेते हैं फिर निकल चलते हैं। तो एक बार जब से आग लगी ना यहाँ पे, तो हीटर लगाने में ना सबको बड़ा डर लगता है, लगा रखा था झटपट आवाज आ रही थी, तो कैसे आवाज आ रही, सॉकेट लगा रखा था ना। यस आज सब बहुत नाराज हो रही थी, किस बात से? किस बात से नाराज थी? मेरे कहते सुबह से ऐसी उम्मीद रही थी कि मैं फोन नहीं करूँगा, तो मम्मी आप ही निकाह था, आपसे मुझसे बात नहीं कर पा रही है, बोल नहीं पा रही, मुझे नहीं मालूम बच्चा। आप ही निकाह था भाई, मुझे तो अपडेट मिलती आ रही है, मौसी ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं कहती थी शुभम सबसे पहले बदलेगा, मेरे बीमार पड़ते ही शुभम बदल गया, सही में कसम खा गए भाई, और अभी कर ले तू, अभी कर ले इज्जत कर ले, अभी लगा ले इज्जत, तो जा चुकी मम्मी, मौसी ने जो बोलना था कड़ू सब थे वो बोल दिया है, कड़ू बातें मतलब सब थे। वीडियो कॉल पे कर ले उससे बात, क्या आप ही ने मुझसे कहा था मौसी बोल नहीं पा रही है, आएगा बोल नहीं पा रही, तो मैंने कहा
मैंने भी नहीं बताया था, मौसी को दिखाओ ढंग की जगह पे। ऐसी नहीं, ऐसी मशहूर हूँ मैं। बोल दो भाई, आपकी आवाज तो ऐसी बहुत ही बजती है, मंगस खेलेगी। अरे यार आलू, अरे यार थक गया हूँ यार मैं बहुत ज्यादा यार। के ड्रामा दिखा दिखा के तू कोरियन बना देगी, मेरी दाढ़ी चली जाएगी के ड्रामा देखते देखते। तुम न हुए मेरे तो क्या मैं तुम्हारा। इस डायरी के पीछे का बहुत तगड़ा राज है, बताता हूँ वही क्या। तो इसी कमरे से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैं सोच रहा था कि लाइफ किस जगह मुझे लेकर के जा रही है। सेम यही जगह थी मेरा ब्लॉग, शायद वो था सातवां आई गेस, मैं डाल दूंगा यहाँ पे कौन सा ब्लॉग था। वहाँ से मैंने सोचा था यार इस जर्नी में मुझे कहाँ तक ले जाएगी ये जर्नी, मुझे आखिरकार मुझे इस जर्नी ने पहुँचा दिया इस डायरी तक। अब ये डायरी में क्या है, क्यों है, कैसा है, मैं आपको ये बता दूँ बस एक हिंट के तौर पर कि इस डायरी में मेरी प्रोडक्टिविटी छुपी हुई है। प्रोडक्टिविटी कैसे, एक लिमिट आती है ना जहाँ पर हम सोचते हो यार कि मैं इतना सारा काम कर लेता हूँ दिन में, उसके अलावा क्या, मतलब ये कोई एंड पॉइंट होता है ना इस चीज़ का, तो ये मेरे एंड पॉइंट के आगे का काम रहता है। जब मुझे लगता है कि बहुत सारा काम हो चुका है, जो कुछ भी मेरे दिमाग में आता है वो सब मैं इसमें लिख लेता हूँ। दिखाऊँ किस तरीके से, अब जैसे ये है तो मुझे तो उल्टा दिख रहा है, तुम लोग को सीधा दिख रहा होगा होपफुली। तो उसमें क्या है, अच्छा मेरे ब्रश ना करने की आदत है, रात में दो टाइम पे नहीं करता हूँ ब्रश, और मैं चाहता हूँ मैं ऐसा कि करने लग जाऊँ, तो ये एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ जो इसमें है ना वो ये है, रिव्यू वाली एक वीडियो मुझे बनानी थी उसका था, तो ये कट लगा दिया था मैंने, जो जो काम होता था वो कट लगाता था। किसी थी प्रमोशनल टेम्पलेट्स बनाने थे मुझे, जो कि मैंने बना लिए तो अब बहुत धांसू बने थे, तो ये एक्स्ट्रा वर्क जितना भी रहता है ना वो सारा। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करनी थी कुछ लोगों से जो मतलब टीम के अंदर काम कर रहे हैं। और हाँ, बाय द वे टीम के अंदर काम करने से मैं आपको बताऊँ कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में एक बंदा बढ़ चुका है हमारा, वो सीक्रेट है बता नहीं सकते हैं ऐसे कि कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा। तो बस व्लॉग तो बढ़िया करना होता ही है, तो बस यही था मेरी डायरी में। चाची ने फिर आज जबरदस्त वही रोटी बना दी यार, इतनी पतली बना कैसे देते हो यार भाई, ये एकदम रुमाली रोटी ऐसी बनती है एकदम, बहुत टेस्टी है, साइज भी एकदम परफेक्ट रहता है, बहुत अच्छी बनाती है चाची। भाई एक्स्ट्रा खा लिया, चल ले मना तो ना कर रहा हूँ मैं, खा लिया भाई एक्स्ट्रा, लेट गया बिल्कुल, जान नहीं लग रही है ऐसा बिल्कुल लग रहा है, ओवर ईटिंग यार इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए भाई हमेशा। खैर कहीं बोल सकते अब तो खा लूँगा, चलो मेरे दीदी की शादी की वीडियो चल रही है ना, तो उसी में मौज मस्ती हो रही है बहुत सारी। अरे भाई यार बहुत मौज मस्ती होगी फिलहाल, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट। ध्यान रखिएगा मौसम चेंज हो रहा है, बरसाती मौसम हो चुका है, बिल्कुल मौज मत करना यार।